आपको बताने वाले हैं कि अगर आप लिस्ट बना रहे हो और उसमें किसी तरह से डुप्लीकेट वैल्यू टाइप हो जाती है तो उसको हम किस तरह से रिमूव करेंगे। तो आप इस रेंज को पहले सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपको डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डेटा पे जाइए और रिमूव डुप्लीकेट कर दीजिए। आप कंटिन्यू विद करंट सेलेक्शन करिए, रिमूव डुप्लीकेट कर दीजिए, प्रेस ओके कर दीजिए। तो आपका ये देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट जो वैल्यू थी वो हट करके सिंगल हो जाएगी। अब आप यहाँ पे प्राइस लिख करके अपनी प्रॉपर लिस्ट बना सकते हैं। अब हमारे पास नाम है रवि किशन, जिसमें हमें रवि अलग करना किशन अलग करना है। तो उसके लिए हमें पहले ये सर्च करना पड़ेगा कि रवि से स्पेस तक की कितनी वैल्यू है, जिसके लिए हमको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा सर्च स्पेस B14 1। B14 ये पोजीशन है। जब हम स्पेस B14 1 लिखते हैं तो वो रवि से लेकर यहाँ तक की फिफ्थ पोजीशन तक काउंट कर लेगा। इसी तरह से हम राइट को किशन को अलग करने के लेन ऑफ B4 लेंगे। लेन ऑफ B4 हमारी पूरे नाम की लेन के नंबर ऑफ करेक्टर्स होंगे माइनस सर्च, फिर हम रवि को सर्च करेंगे फर्स्ट पोजीशन से स्पेस तक तो 5 आ जाएगी, और 5 और 6 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, तो किशन हमारा सर्च हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, जो पोजीशन सर्च हुई है उसको उससे लेफ्ट ले लेना है। तो लेफ्ट B14 कॉमा सर्च पोजीशन 5 आई थी तो B14 में से 5 ट्रंकेट होकर यहाँ फर्स्ट नेम प्रिंट हो जाएगा। और लास्ट नेम के लिए राइट से हम लेंगे, राइट से लेने के लिए हम निकाल चुके होंगे कि लेन माइनस सर्च ऑफ फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूरे नेम में से जब माइनस हो जाएगा तो हमारा 6 आ जाएगा और B4 6 मतलब राइट से किशन प्रिंट हो जाएगा। अब इसको कैसे हुआ है देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर रवि का 5 उसने स्पेस तक काउंट किया और किशन का राइट से लेन में से 5 जब चला गया लेन हमारा 11 आएगा। अगर आपको लेन देखना है तो यहाँ पे आप लेन भी देख सकते हैं, लेन ऑफ B14। तो आपको देखिए 11 दे देगा, 11 में से जब 5 जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो राइट से 6 ले लेगा और लेफ्ट से 5 ले लेगा और आपका नाम को अलग कर देगा। अब इसी नाम को हमें फिर से जोड़ना है तो हमको कॉन्कैटेनेट करना पड़ेगा, या दूसरे ढंग से हम कर सकते हैं इसमें कॉन्कैटेनेट C14 टू D14 देंगे। C14 हमारा जो फर्स्ट नेम आया और D14 जो हमारा लास्ट नेम आया, इन दोनों को वो जोड़ देगा और नाम हमारा ऐड हो जाएगा। या दूसरा मेथड है C14 ampersand space ampersand D14, तो वो नाम को ऐड कर देगा। ये देखिए जब आप अपना फॉर्मूला बंद कर देते हैं तो यहाँ पर रवि किशन हमारा ऐड होके आ चुका है। तो इस तरह से अब यहाँ पे देखिए यहाँ एक सिंगल स्पेस ले रहा है या डबल ले रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग ने अपने फॉर्मूले में स्पेस डाल रखा है। ये देखिए यहाँ पे स्पेस डाल रखा है और रवि यहाँ पे ये जो आया है वो 5 करेक्टर आया है क्योंकि स्पेस भी उसने लिया है। तो इस तरह से हमारा नाम ऐड होके आ जाएगा और डुप्लीकेट हमारे रिमूव हो जाएंगे, तो इजीली हम अपनी लिस्ट को बना सकते हैं। अगर मान लीजिए टीवी आपका दो तरह का है, यहाँ पर टीवी और ये टीवी ब्लैक है तो दो तरह का टीवी हो गया, यहाँ पर टीवी कलर है। अब यहाँ टीवी कलर फिर दे दिया हमने, ठीक है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, यहाँ TH हो गया इसको TV कर देते हैं, TV। अब फिर क्या करेगा, वो दो तरह के TV ले लेगा। यहाँ फॉर्मूला लिया, डेटा लिया, डुप्लीकेट रिमूव किया, कंटिन्यू विथ करेंट सेलेक्शन रिमूव किया, ओके कर दिया। ये देखिए अब TV के दो टाइप ले लेगा। अगर स्पेसिफाई है दो टाइप तो सेम TV के दो टाइप ले लेगा। अब दोनों टाइप की प्राइस भी अलग होगी। अब इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप जाइए डेटा फिल्टर आया ना शॉर्ट, अगर आप करेंगे एक्सपेंड कंटिन्यू विद करेंट सेलेक्शन शॉर्ट किया आपने, शॉर्ट आइटम A to Z किया आपने, तो ये देखिए आपका शॉर्ट भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने प्राइस लिस्ट को
बना सकते हैं। अगर प्राइस के साथ आपके आइटम के साथ आपकी प्राइस भी है, मान लीजिए कैमरा है 25,000, माइक है 1200, रिंग लाइट है 500, ट्राईपॉड है 500 या 1200, 800, टीवी ब्लैक है आपका 5,000, और टीवी कलर है आपका 50,000, बड़ा टीवी अगर है तो। अब आपका दोनों ले लेगा, अभी तो सॉर्टेड है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर अनसॉर्टेड होता, अब इसको मान लीजिए हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहे हैं, तो प्राइस भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और डेटा सॉर्ट करेंगे। अब यहाँ पे जेड टू ए कर देंगे, ओके कर देंगे। अब ये देखिए आपका सॉर्टेड हो गया और प्राइस भी उसके उसी के पास आज चली गई। अगर आप प्राइस छोड़ दीजिएगा तो वो सॉर्ट नहीं करेगा और लिस्ट जो भी आपकी गड़बड़ हो जाएगी। तो हमेशा लिस्ट को यूज़ करिए जो आपकी ज़रूरत की है। सो दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर्स, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। एक्सेल में सीखने को तो बहुत कुछ है, अब अगर आप कमेंट में लिखते हैं तो हम और भी बना देंगे, जिससे आप एक्सेल में एक्सपर्ट हो जाइए और हर तरह से काम कर पाइए। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और क्यूरी करिएगा अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो। इसमें बहुत एडवांस भी है, आप BBA का भी काम कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग भी सीख सकते हैं, जो आगे के लिए फॉर्म वॉर्म बना करके आप काम कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर, लाइक इट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर। Follow my all social media link, go to the community and join my telegram channel Tech Ratan. Thank you.